नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर रात कल 88 प्रत्याशियों की दूसरी सूची घोषित कर दी है। इसमें बैतूल की अमला सीट छोड़कर सभी 85 सीटों पर टिकट घोषित कर दिए। तीन टिकट दतिया, पिछोर और गोटे गांव में बदले हैं। सूची में मुहूर्त का भी विशेष ध्यान रखा गया है। नवरात्र में पंचमी की रात में टिकट 11:39 में घोषित किया गया है। पहली सूची नवरात्र के पहले दिन सुबह 9:09 पर आई थी। वहीं पर दूसरी सूची में दल बदलुओं को भी भरपूर मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात कि विरोध के बाद भी तीन टिकट बदले गए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का टिकट कटा था, वो फिर से गोटे गांव सीट पर चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी कलेक्टर निशा वांगरे के इस्तीफे पर कोर्ट के निर्णय के चक्कर में अमला सीट अटकी हुई है। भाजपा से दीपक जोशी को खातेगांव, भवर सिंह शेखावत को बदनवार और समंदर पटेल को जावत सीट से टिकट दिया गया है। बिंद की बात करें तो सबसे चर्चित विधानसभा सीट सेमरिया से कांग्रेस से एक दिन पहले भाजपा से इस्तीफा देने वाले अभय मिश्रा को सेमरिया से टिकट दिया है। भाजपा से अभय मिश्रा ने इस्तीफा दिया था और अभय मिश्रा पूर्व विधायक भी रह चुके हैं सेमरिया से। इस तरह में कांग्रेस ने उन्हें सेमरिया विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है और रीवा विधानसभा सीट से अब सीधी लड़ाई राजेंद्र वर्सेस राजेंद्र की सामने आई, जहां पर बीजेपी ने पहले से ही 4 बार के विधायक राजेंद्र शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में राजेंद्र शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जिनको जीत अभी तक नसीब नहीं हुई है, जबकि महापौरी से लेकर विधायक तक चुनाव लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जैसे ही रीवा उम्मीदवार घोषित किया, वैसे ही कविता पांडे के इस्तीफे का बाजार गर्म हो गया। अब निर्दलीय या फिर बीएसपी से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने विश्लेषण में पहले ही की थी, जहां पर रीवा से अजय मिश्रा बाबा, कविता पांडे, मनीष गुप्ता तमाम ऐसे कई बड़े नेता टिकट की कतार में थे। अब ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि कहीं ना कहीं फिर से बगावत ना हो। पहले से ही सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस छोड़ दी है। आपको बता दें कि विराट 24 न्यूज की टिकट को लेकर किया गया विश्लेषण एकदम सटीक बैठा है, जिसमें देवतला विधानसभा क्षेत्र से पद्मेश गौतम को कांग्रेस ने टिकट दिया है और कांग्रेस ने बीजेपी उम्मीदवार निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सामने भतीजे पद्मेश गौतम को खड़ा कर दिया है। आपको याद दिला दें कि पद्मेश गौतम ने पंचायत चुनाव में गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम को शिकस्त दी। ऐसे में कांग्रेस ने 5 बार के विधायक के सामने उनके ही घर से वोट में सेल लगाने वाले उम्मीदवार को उतारा है। पार्टी ने युवा और नया कार्ड खेला है पद्मेश के रूप में। अब यह कितना कारगर साबित होता है देखने वाली बात होगी। वहीं सिरमौर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने राम गरीब बनवासी को बीजेपी उम्मीदवार दिव्यराज सिंह के सामने उतारा है। राम गरीब पूर्व विधायक भी रहे हैं, लेकिन बीएसपी से रहे हैं विधायक। कांग्रेस का यह दलित वोट बैंक साधने का भी फैक्टर हो सकता है, जहां पर पूर्णिमा तिवारी, राजमणि पटेल तमाम बड़े नेता टिकट की रेस में थे, लेकिन राम गरीब को टिकट मिली। बिंद की बड़ी सीट मैहर में कांग्रेस के धर्मेश घई को टिकट दिया गया है। भाजपा के बागी नारायण त्रिपाठी निर्दलीय ही रहेंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रामपुर बघेलाल सीट से कांग्रेस ने रामशंकर प्यासी को बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सिंह के सामने उतारा है। बिंद में सीधी विधानसभा सीट से ज्ञान सिंह कांग्रेस से मैदान में होंगे, जहां पर बीजेपी ने रीति पाठक को उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर केदारनाथ शुक्ला का बगावती तेवर सामने आया था और साथ ही केदारनाथ शुक्ला ने चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में सीधी का समर त्रिकोणीय हो गया है। वहीं पर अन्य विधानसभा सीट होशंगाबाद सीट पर भाजपा से आए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण के भाई गिरजा शंकर शर्मा, खातेगांव सीट पर भाजपा से आए पूर्व मंत्री दीपक जोशी, बदनावार से सीट पर भाजपा से आए भवर सिंह शेखावत और जावत सीट पर भाजपा से आए समंदर पटेल को टिकट दिया गया है। इसी तरह भाजपा छोड़कर घर वापसी करने वाले चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को भिंड सीट से उतारा है। रीवा और मऊगंज की कुल 8 विधानसभा सीट से कांग्रेस ने 8 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, जिसमें से 3 पूर्व के विधायक हैं, सुखेंद्र सिंह बन्ना मऊगंज से, अभय मिश्रा सिमरिया से और राम गरीब बनवासी सिरमौर से, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं। जिसमें आपको एक बार फिर बता दें कि रीवा से राजेंद्र शर्मा, सिमरिया से अभय मिश्रा, सिरमौर से राम गरीब बनवासी,
चौथा से रामाशंकर पटेल, मनगवा से बबीता साकेत, तो देवतला से पद्मेश गौतम, गुड़ से कपिल ध्वज सिंह और मऊगंज से सुखेन्द्र सिंह बन्ना को टिकट मिली है, जो कि रीवा और मऊगंज जिला मिलाकर 8 विधानसभा सीट में कांग्रेस ने अपने पूरे उम्मीदवार उतार दिए। अभी बीजेपी की लिस्ट आनी बाकी है, देखना होगा कि बची हुई रीवा और मऊगंज मिलाकर 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी किस पर किस्मत में आजमाती है। अभी अपडेट बने रहे PR24 के साथ।